ऐसे पानी खत्म होता है, अपने आप पानी भर जाता है। 10,000 में और क्या लोगे यार। देख सकते हैं आवाज भी आ रहा होगा आपको, डायल है दो, काफी ज्यादा एयर थ्रो यहाँ से आपको। तो ये है बेस्ट कूलर इन इंडिया, ये है क्रॉम्पटन का ओजोन 75 लीटर का डेजर्ट एयर कूलर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये अभी इंडिया में सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। ये मैं पर्सनली नहीं कहता हूँ, आप लोग अगर अमेजन में जाएंगे अगर कूलर भी नाम से सर्च करते हैं ये आपको लगभग टॉप 3 रैंकिंग में मिलेगा। करीब 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने इसको रिव्यू किया है और ये करीब मुझे लगता है 2 साल से ये उसी पोजिशन में बरकरार है। और इसके बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे कस्टमर रिव्यूज है, बहुत ज्यादा फीचर के साथ आता है। मतलब 10,000 के अंदर मुझे लगता नहीं कोई भी आपको कूलर में आपको कुछ इतने सारे फीचर्स मिलेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके डिटेल में रिव्यू दूंगा, सारे प्रोस कॉन्स सब कुछ बताऊंगा ताकि आपको लेते टाइम बिल्कुल डाउट मत हो और आप लोग अपने लिए एक अच्छा डेजर्ट कूलर ही यहां पे खरीदें। और दोस्तों अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए तो मैंने इसकी Amazon एफिलिएट लिंक अपने कमेंट में भी दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप लोग डायरेक्टली उस लिंक के थ्रू Amazon में जाकर इस प्रोडक्ट को चेकआउट कर सकते हैं, रिव्यूज पढ़ सकते हैं और पसंद आता है डायरेक्टली वहां से परचेस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले आप लोग इसका फ्रंट लुक देखिए। फ्रंट में दिखने में ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम डिज़ाइन है, स्पेशली ये जो नीचे वाला पोर्शन आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा पतला है, ऊपर थोड़ा सा बड़ा होता है। तो स्पेस कंस्ट्रेंट के चलते भी यहाँ पे काफ़ी आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, काफ़ी कम स्पेस लेता है क्योंकि नीचे का पोर्शन छोटा है ऊपर का पोर्शन बड़ा है। और यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन देखने में लगता है, मतलब घर में अगर रखेंगे ना आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लुक एंड फील काफ़ी प्रीमियम है, डिज़ाइन काफ़ी बेहतरीन है। आप लोग देख सकते हैं ये जो ऊपर में ब्लू है नीचे कम्प्लीटली व्हाइटिश है, देखने में सच में बहुत ज़्यादा मस्त लगता है। अब आते हैं हम लोग इसके मेन फीचर्स के बारे में। सो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले देख सकते हैं स्पीड, यहाँ पर आपको 3 स्पीड सेटिंग्स मिलती है, 3 में सबसे हाईस्ट होता है, फिर थोड़ा कम, फिर सबसे कम। मैं यूजली आपको सबसे कम में रखता हूँ, साउंड भी कम लगता है और सोने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे अगर आप फंक्शन वाला लीवर देखेंगे यहाँ पे आपको 2 मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे वाटर पंप है, अगर आपको जस्ट इसको ऑन करेंगे आपको यहाँ पे सिर्फ पानी चालू होगा। अगर आप लोग पानी के साथ स्विंग वाला फंक्शनलिटी भी जाते हैं, मतलब ये कम्प्लीटली ऐसे ऐसे मूव होता है, तो आप लोग इस यहाँ इस पर सेट करके रख सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं वाटर पंप नहीं चले, सिर्फ आपका ये जो लोवर्स हैं वर्टिकल लोवर्स ही वो ही सिर्फ मूव हो, तो आप लोग कुछ इस पर सेट करके रख सकते हैं। मैं यूजली आपको सेकेंड नंबर पे रेकमेंड करूँगा पानी के साथ, अगर आप लोग ज़्यादा अच्छे से एयर मतलब ठंडा पाना चाहते हैं अपने कमरे में तो आप लोग इस मोड में रख सकते हैं। तो ये थे इसका सिंपल 2 ही यहाँ पे नॉब दिए हुए हैं। ऊपर में पोर्शन देखेंगे तो ऊपर पोर्शन काफ़ी ज़्यादा मस्त है। एक और अच्छी बात बताता हूँ, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है ना, जो प्लास्टिक मटेरियल है, ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा। और इसके फीचर्स में देखें तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा सा आइस ट्रे मिलता है, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ठंडा हवा पाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग आइस भर के रख सकते हैं जो कि डायरेक्टली पूरे इसके जो हनी कॉम पैड्स है उसमें जाता है। इसके कुछ फीचर्स के बारे में मैं बताऊं तो यहाँ पे प्रो लॉन्ग कूलिंग लिखा हुआ है, जैसे मैंने बताया इसके अंदर हनी कॉम पैड दिया हुआ है तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग देखने में मिलता है, बहुत कम मेंटेनेंस भी होता है, वॉश करना भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है। हालांकि जब आप इसको फर्स्ट टाइम जब कूलर चलाएंगे आपको डेफिनेट 2 से 3 दिन तक के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्मेल नहीं आती है, क्योंकि हनी कॉम थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट होने में, फर्स्ट टाइम वॉश होने मतलब जब उसमें पानी गिरता है थोड़ा सा स्मेल, थोड़ा सा अजीब सा स्मेल आता है, तो 1-2 दिन बाद वो कंप्लीटली एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं बताऊँ तो यहाँ पर आपको 4-वे एयर डिफ्लेक्शन देखने मिलता है। ये ना मतलब ये जो कूलर है ना ये आपको चारों दिशा में हवा देगा। कैसे देगा, एक सबसे बात बताऊँ, यहाँ पे मोटर है जो वर्टिकल ओवर्स है ना वो कम्प्लीटली ऐसे ऐसे मूव होता है, लेकिन ये जो आप लोग हॉरिजॉन्टल वाली चीज़ देख रहे हैं इसको आप लोग मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हैं ऐसा ऊपर चाहिए तो आप लोग हाथ से इसको ऊपर कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं थोड़ा नीचे हवा चाहिए तो नीचे कर सकते हैं। और ये नीचे वाला पोर्शन भी अलग है, मतलब यहाँ से सेपरेशन दिया है, ऊपर वाला ऊपर कर सकते हैं, नीचे वाले को नीचे कर सकते हैं, और ये इधर उधर मूव होता है, तो जिसके चलते चारों दिशा में आपको प्रॉपरली हवा यहाँ पे देखने मतलब लगता है, मस्त लगता है यार, कमाल का ये कूलर, मज़ा आ गया इसको जब मैं इसको यूज़ करना स्टार्ट किया हूँ। उसके बाद एवरलास्ट पंप वाला भी फीचर दिया है, जो कि मैं आपको पीछे पोर्शन में दिखाऊं किस तरह से ये एवरलास्ट पंप काम करता है। मतलब इसमें जैसे ही पानी खत्म होता है अपने आप पानी भर जाता है। 10,000 में और क्या लोगे यार। एवरलास्ट पंप भी दिया हुआ है, 4-वे डिफ्लेक्शन दिया, और यहाँ पे जो मोटर है यहाँ पे कॉपर वाइंडिंग वाला मोटर है, और साथ में आपको ओवरलोड प्रोटेक्शन भी देखने मिल जाता है। तो ये रहा कुछ इसका ऊपर वाला पोर्शन। इसका जो वायर का लेंथ है वो करीब 1.25 मीटर से लेकर 1.5 मीटर के आसपास है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आपको डेफिनेटली एक्सटेंशन वाला केबल तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा बड़ा इन्होंने वायर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। फ्रंट में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी क्रॉम्पटन की ब्रांडिंग दी हुई है, और ये जो डेजर्ट का कूलर है ओजोन 75 उसका यहाँ पे मॉडल नंबर दिया हुआ है। ये वाला पोर्शन देखने में मस्त लगता है, ये जो ब्लू एंड व्हाइट वाला मस्त लगता है देखने में। ये इसका काफ़ी बड़ा डायल है तो काफ़ी ज़्यादा एयर थ्रो यहाँ से आपको मिलता है। उसके बाद अगर हम नीचे में आएंगे तो नीचे में आपको यहाँ पे पानी भरने के लिए दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग वाटर भर सकते हैं, पाइप के थ्रू भर सकते हैं। और इसकी जो कैपेसिटी है वो करीब 75 लीटर की कैपेसिटी है। आपको इसमें 2 अलग अलग वेरिएंट भी मिल जाएंगे जो कि आप लोग डेफिनेटली इनकी वेबसाइट में अमेजन में आकर चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो मंगाया है 75 लीटर कैपेसिटी का मंगाया है, जो कि मुझे लगा मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशेंट है।
यहाँ पे आपको वाटर लेवल इंडिकेटर भी देखने मिलता है, मैक्स, मीडियम और मिनिमम। मैं यूजली मीडियम के थोड़ा ऊपर तक यहाँ पे पानी भर रहता हूँ, जिसके कारण काफी रात भर आराम से मेरा चल जाता है। तो फ्रंट पोर्शन आप लोग मैंने आपको दिखा दिया कुछ इस तरह से देखने मिलता है, और नीचे वाला पोर्शन देखिए, यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह जो इन्होंने जो दिया है ना, और ये जो डिजाइन, ये डिजाइन भी देखने में काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। मतलब फ्रंट से ना लुक वाइज मस्त लगता है, और व्हील वगैरह ना इसके अंदर छुप जाता है, तो दूर से उतना पता आपको नहीं चलेगा। इसके अंदर आपको टोटल 4 कैस्टर व्हील देखने मिलता है, और सबसे ज्यादा बात बताऊँ इसके अंदर आपको व्हील्स का लॉकिंग सिस्टम मिलता है। अभी देख सकते हैं ये व्हील्स का लॉक मैंने हटाया है, जब इसको जिस जगह पे आपको रखना है इसको ऐसे लॉक कर सकते हैं, व्हील्स आपको प्रॉपरली लॉक हो जाएगा। जब उसको यूज करना, कहीं इधर उधर लेके जाना, तो उसको ओपन कर सकते हैं और ये मूवमेंट यहाँ पे अनलॉक हो जाता है। तो फ्रंट के सिर्फ दोनों ही व्हील्स में आपको इस तरह से कैस्टर का लॉकिंग व्हील देखने मिलता है, रियर पोर्शन में आपको इस तरह से लॉकिंग सिस्टम देखने नहीं मिलता है। तो फ्रंट में आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने मिल जाएगा, इसको ओपन करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। तो ये था इसका ओवरऑल फ्रंट का लुक, आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सारे फीचर्स बता दिए। अब आते हैं हम लोग साइड में, तो यहाँ पे साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ना हैंडल वगैरह दिया इसे पकड़ने के लिए, तो उसको ट्रांसपोर्ट मतलब इधर से उधर ले जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, मस्त मतलब व्हील्स काफ़ी मजबूत है। और कोशिश करिए कि जब भी आप लोग कूलर को इधर तो मूव करते, पानी उसमें भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, पानी भरने से थोड़ा सा तकलीफ डेफिनेटली होगा और व्हील्स पे काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो पानी जब खाली रहे तभी आप इसको काफी अच्छे से मूव करेगा। ये नीचे का रियर व्हील आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी आपको लॉकिंग सिस्टम नहीं मिला, ये कंप्लीटली यहाँ पे फ्री मूवमेंट है। तो यहाँ पे आप लोग हनीकॉम पैडिंग यहाँ पे देख सकते हैं, किस तरह से हनीकॉम पैड दिया जो कि बहुत जबरदस्त कूलिंग प्रोवाइड करता है। और हाँ, इस कूलर का ये जो साइड वाला पोर्शन है, उधर वाला साइड, ये वाला साइड, ये मतलब आप लोग उसको रिमूव नहीं कर सकते, सिर्फ इसका जो पीछे वाला पोर्शन है सिर्फ उसी को आप लोग यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। मैं काम करता हूँ, पीछे वाला पोर्शन ओपन करके आपको दिखाता हूँ। सो भी आप लोग उसको पीछे वाला पोर्शन देख सकते हैं, इसी ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इन 5 स्क्रू को जब ओपन करेंगे तभी जाके ये पोर्शन ओपन होगा, और इसका पानी वगैरह आप लोग काफ़ी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। पीछे वाला जो हनीकॉम है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, साइड वाला डेफिनेटली थोड़ा सा छोटा है, लेकिन उतना काम कर जाता है यार, जितना होना चाहिए ना। कॉम्पैक्ट साइज भी चाहिए घर में, अगर ज़्यादा स्पेस नहीं है, मुझे लगता है उन सभी लोग के लिए ये काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे कूलर है। तो यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे हनीकॉम पैडिंग दी हुई है, और इसको एक एक को जब ओपन करेंगे ये पूरा चीज़ें बाहर निकलती है, आप लोग प्रॉपरली पानी को यहाँ से काफ़ी अच्छे टैंक वगैरह को क्लीन करके रख सकते हैं। ये था जैसे जो मैं आपको बताया था एवरलास्ट पंप वाला फीचर, यहाँ पे ना आप लोग डायरेक्टली पाइप से इसको वाटर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, और जैसे इसमें पानी कम होगा ना, डायरेक्टली पानी इसमें भर जाएगा। मतलब आपको नल को ऑन करके हमेशा रखना पड़ेगा। इसके अंदर कुछ बलून वाला सिस्टम होता है, जो जैसे जैसे पानी बढ़ता है वो बलून सिस्टम उतना ही लेवल पर आता है और लॉक हो जाता है। जैसे पानी कम होगा बलून का लेवल नीचे जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ से पानी फ्लो होना चालू है। मतलब इसीलिए इसको कहते हैं एवरलास्ट पंप, मतलब आपको पानी भरने की ज़रा भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक इसके अंदर जैसे पानी कम होगा ये पानी भर जाता है। और यहाँ पे छोटे छोटे ये जो नॉब देखना है, इसके थ्रू जब प्रेस करेंगे ये कंप्लीटली यहाँ से रिमूव हो जाता है। इसके पीछे पोर्शन में कुछ इतना ही है, और अगर आप लोग चाहते हैं एक साथ पानी के टैंक, तो छोटा सा एक व्हाइट कलर का नॉब देख रहे होंगे यहाँ पे, ये दिख रहा है ये नॉब, ये जो नॉब है इसको जब आप इसको यहाँ से जब ओपन करेंगे, जो इसका पानी है वो कम्प्लीटली ड्रेन हो जाता है, और ताकि आपको ना मतलब पानी निकालने में ज़्यादा टाइम मत लगे, सीधा वो ड्रेन हो जाता है। और ड्रेन होने के बाद आप लोग काफ़ी अच्छे से इसके टैंक को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर सकते हैं। तो ये था, अभी मैं काम करता हूँ, इसको स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करने में इसके फीचर्स के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर जो 3 नंबर है, सबसे हाई स्पीड होता है ऑन, अभी फिलहाल ये ऑफ मोड में, ये वाटर वाला भी ऑफ है। आप लोग सबसे पहले तो काम करें, पहले पानी चालू कर दीजिएगा। पानी से क्या होता है ना, जिसका हनी कॉम्पैड है वो काफ़ी भीगना चालू होता है, मैं आपको दिखाऊंगा, देखिएगा अभी, देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा आपको आवाज़ भी आ रहा होगा यहाँ पे, और इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे पानी ने धीरे धीरे जाता है, जिसके कारण ये कंप्लीट पूरा वेट हो जाता है, देख सकते हैं आवाज़ भी आ रहा होगा आपको। अभी इस तरफ का पोर्शन भीगा है, धीरे धीरे ये पोर्शन सारा का सारा भीग जाता है, और हनी कॉम पैड का जो खूबी है वो आपको पता ही है, पीछे में देख सकते हैं ये कंप्लीट यहाँ पे पूरा भीग जाएगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट जब वेट हो जाता है, उसके बाद मैं पंप को चालू करता हूँ, जिसके कारण कूलिंग मस्त आती है। इधर से भी अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो इधर से भी आप लोग देख सकते हैं ये पूरा धीरे धीरे पूरा कंप्लीटली वेट हो जाएगा, और किस तरह से काफ़ी अच्छा यहाँ पे पानी गिर रहा है। तो इस तरह से पानी स्टार्ट होता है, और यहाँ पे जब आप इसको स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले सबसे हाईएस्ट मोड रहेगा, देखिएगा यहाँ पे आपको साउंड थोड़ा ज़्यादा डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि मेरा छोटा कमरा है तो ज़्यादा साउंड लगता है मुझे, और मैं यूजुअली इसको 2nd नंबर में कुछ इतना साउंड आता है, 3rd नंबर पे सबसे कम स्पीड में आपको कुछ इतना इस तरह का साउंड देखने मिल जाता है। तो ये इसमें कम कर दिया, अभी मैंने सिर्फ पानी का चालू किया। अभी देखिए मैं इसका जो लोवर से, जो वर्टिकल लोवर से, इसको किस तरह से मूव करना है। तो ये जो बटन प्रेस करेंगे, देख सकते हैं ये ऐसे से चारों डायरेक्शन में ये घूमना चालू हो जाएगा, देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से पूरा मूव होगा, इसका मूवमेंट कुछ इस तरह से हो रहा है, काफ़ी बेहतरीन, मतलब चारों दिशा में आपको काफ़ी अच्छा हवा मिलेगा। और तो ऊपर नीचे करना है तो आप लोग इसको
काफ़ी जैसे एडजस्ट कर सकते हैं हम। बहुत पावरफुल इसका मोटर है, मैं इसको नीचे कर देता हूँ ताकि साउंड थोड़ा कम आए। अभी मैं इसको नीचे हवा यहाँ पे दे रहा हूँ, तो कुछ जिस तरह से इसका मूवमेंट है, जब आप इसको चालू करेंगे तो मोटर ऑफ हो जाएगा लेकिन ये मूवमेंट कंटिन्यूसली चालू रहेगा। तो ये इसका एक अलग फीचर है, अगर हम चाहते नहीं ये मोटर चालू रहे तो आप लोग कुछ इसको यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इस फैन को मोटर को बंद कर देता हूँ। तो ये था कुछ उसका इस तरह से ओवरव्यू, और पानी भी जाता है तो यहाँ से काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये मतलब नीचे गिरता नहीं है। ये वाला पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे होल्ड होता है और होल्ड होने के बाद सीधा अंदर चल जाता है। तो ये था इसका ओवरऑल फीचर, काफ़ी बेहतरीन है। 75 लीटर की यहाँ पे ओवरऑल आपको कैपेसिटी भी देखने मिलती है और काफ़ी बेहतरीन लगा मुझे कूलर ये। सो दोस्तों अभी आप सभी ने इसका डिटेल में रिव्यू देखा, मैंने सारे के सारे फीचर्स वगैरह सब कुछ आपको डिटेल में बताया और ये मुझे लगता है 10,000 में एक वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। आप लोग प्लीज़ एक बार विश्वास करके डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को चेक जरूर करिएगा, क्योंकि जितने सारे फीचर्स इसमें आपको मिल रहा है यार, आइस चेंबर, वाटर इंडिकेटर, 4-way एयर डिफ्लेक्शन, इतना अच्छा खासा एयर थ्रो, ऊपर से आपको हनीकॉम्ब पैडिंग के साथ आता है, आइस ट्रे दिया है, मतलब यार देखिए 10,000 में और इससे आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए, सच में वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। और अगर दोस्तों आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी डाउट वगैरह या कुछ भी आपको पूछना है तो डेफिनेटली आप लोग मुझे कमेंट में जरूर पूछेगा, मैं आपका डेफिनेटली यहाँ पर रिप्लाई जरूर करूंगा। और इससे रिलेटेड कुछ और भी डाउट है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज भी कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है अभिषेक ब्लॉग, आपको स्क्रीन में वहाँ पर दिख भी रहा होगा। सो आप सभी को ये रिव्यू कैसे लगा आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। ये प्रोडक्ट पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और पसंद नहीं आ रहा है कुछ भी फीडबैक वगैरह दे रहा है तो डेफिनेटली कमेंट में आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय।